पामेला गोस्वामी को 100 ग्राम कोकीन के साथ गिरफ्तार किया गया है। पामेला के साथ उनके एक दोस्त प्रवीर कुमार डे को भी अरेस्ट किया है। दोनों एक ही कार में सवार थे जिससे कोकीन बरामद किया गया। यह गिरफ्तारी दक्षिण कोलकाता के न्यू अलीपुर इलाके से की गई है। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि गुप्त सूचना के आधार पर न्यू अलीपुर थाना पुलिस ने गोस्वामी को उस समय गिरफ्तार किया जब वह अपनी कार खड़ी करने जा रही थी। अधिकारी ने कहा, गोस्वामी कुछ समय से ड्रग्स की तस्करी में शामिल थी। हमें सूचना मिली थी कि वह अपने सहयोगी प्रवीर के साथ खरीदार को ड्रग्स की सप्लाई करने जा रही है। कौन है पामेला गोस्वामी, आइए जानते हैं। पामेला गोस्वामी भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा की राज्य सचिव है। पामेला काफी एक्टिव होकर सोशल मीडिया पर पार्टी से जुड़ी अपडेट पोस्ट करती है। इसके अलावा राज्य में होने वाली पार्टी की घटनाओं की फोटो भी शेयर करती है। पामेला गोस्वामी साल 2019 में भाजपा में शामिल हुई थी। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी। इसके बाद उन्होंने एयर होस्टेस का भी काम किया। बाद में वे बंगाली टेलीविजन की दुनिया में आ गई। इस मामले में भाजपा की महिला सांसद लॉकेट चटर्जी ने सदी हुई प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पामेला गोस्वामी युवा लड़की है, यदि उसने कुछ गलत किया है तो इस मामले में कानून अपना काम करेगा। ये इस मामले में टीएमसी सांसद सौगत राय ने हमला करते हुए कहा कि इससे पहले एक भाजपा महिला नेता को जलपाईगुड़ी में एक बाल तस्करी मामले में शामिल पाया गया था, अब एक और युवा नेता को ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया गया है। आपका इस पे क्या कहना है, कमेंट जरूर करें।